हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर में सपाइयों ने डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के जनपद हमीरपुर कस्बा भरुआ सुमेरपुर राजबहादुर यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आज बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दाम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूरे कस्बे में सपाइयों ने अपना एक जुलूस निकाला, जिसमें लोगों को आगाह किया। इस पार्टी के लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, जिससे लोग परेशान हैं। इस प्रदर्शन में राकेश यादव उपाध्यक्ष, ज्ञान सिंह यादव, कल्लू यादव, रामजी गुप्ता, अशोक यादव सेक्टर प्रभारी एवं समस्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये जो है महंगाई से और डीजल दाम जो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से इनका सरकार का विरोध किया जा रहा है। अच्छा। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, गरीब मर रहा है, पिस रहा है, इसके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो प्रवासी मजदूर घर आ गए हैं उनके लिए कोई विरोध रोजगार नहीं है। ये सारे लोग मारे ढकेले फिर रहे हैं, इनके लिए न कोई ध्यान दे रहा है। और किसानों के लिए जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। कैसे लोग अपनी किसानी करेंगे, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे, सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। जब कांग्रेस सरकार थी तब तो हल्ला हो रहा था, चूड़ियाँ भेज रही थी, आज क्या हो गया सरकार को, जो इस डीजल की महंगाई के दौर पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। आखिर सरकार गरीबों को मारना चाह रही है, गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं है। आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है? पहले लॉकडाउन किया, इसके बाद लोग पीसे, फिर प्रवासी मजदूर आए, वो मरे, पटरियों पर मरे, और ये जो सारी चीज़ों की महंगाई इधर पे इधर बढ़ रही है, इसके लिए कोई सरकार का ध्यान नहीं है। और हमारे इस विरोध में समाजवादी पार्टी ने जो है पूरे रोडों पर जो है अपनी इस महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, जो कि आज लखनऊ में देखिए प्रदर्शन करने पर जो सरकार की लाठियां चली हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों पर, इसके लिए मैं बहुत उनको खेद कर रहा हूं कि ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग आज पूरे शहर कस्बे में जा कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।